हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ का फिजिक्स हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम के हमारे कंप्लीट वीडियो अपलोड हैं। अब हम हिंदी मीडियम के जो वीडियो बना रहे हैं क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए, हमारा पर्पस है कि हम 9th-10th के स्टूडेंट्स के भी फिजिक्स को बेसिक लेवल से बहुत स्ट्रांग करें। तो हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया, अभी हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश में परावर्तन पढ़ाया, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। तो देखिए, अपवर्तन मैं लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको ये आगे चल के 12th class में बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा 9th-10th class के स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि यदि आपको आगे चल के नीट या IIT का प्रिपरेशन करने का प्लानिंग है, तो आपको फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत पहले से अपने सभी साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आगे चल के वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक्चुअल में इसका प्रिपरेशन 9th class से ही सिंसियरली कर देना चाहिए, ठीक है। तो 10th में जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं 12th में आपको काम आएगा। चलिए, तो अपन देखते हैं अपवर्तन। सबसे पहले हम समतल पृष्ठ से अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो अपवर्तन की घटना होती क्या है, देखो मान लो ये कोई एक सतह है, ये कोई एक सतह है, और इस सतह के ऊपर में एयर है माने हवा है, और नीचे में मान लो कांच है, ग्लास है, मतलब यहाँ पर दो माध्यम हैं, और इस माध्यम को बोलेंगे अपन समांगी माध्यम, ठीक है, होमोजीनियस मीडियम। समांगी माध्यम मतलब नाम से स्पष्ट है, सम अंग, सभी अंग समान हो, दैट मीन्स उस माध्यम का यदि हम अध्ययन करें तो सभी बिंदु पर घनत्व, उसका आर्द्रता, सब चीज़ क्या हो, समान हो, तब हम उसको समांगी माध्यम कहते हैं। तो अपवर्तन की घटना का इस तरह से परिभाषा क्या है कि सपोज एक प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चल कर आती है, ये हवा से चल कर आती है, और जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखो अब यहाँ से नीचे क्या है, कांच है, ग्लास है, तो होता क्या है, तब हम यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं, ये हमने अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब है n फॉर नॉर्मल, जिसको हम हिंदी में अभिलंब कहते हैं। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वास्तव में प्रकाश के जाने की दिशा ये है, इस दिशा में उसको जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना हो के वो अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाती है। जब वो विरल से, हवा क्या है, विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन माध्यम है। विरल और सघन का मतलब क्या है कि जिस माध्यम में माध्यम के जो कण हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर होते हैं, उनको हम विरल माध्यम कहते हैं, बजाय इसके जैसे कांच, तो कांच के कण क्या होंगे, पास पास होंगे, लेकिन हवा के कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो कांच के सापेक्ष में, वैसे ये सापेक्ष होता है, तो कांच के सापेक्ष में हवा क्या है, विरल माध्यम है। तो पहला हमने देखा कि ये प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये जो हमने रेड इंक से अभिलंब खींचा है, उसकी ओर झुकती हुई चली जाती है, ये कहलाता है अपवर्तन। अभी मैं सघन से विरल को भी बताऊंगा। तो अपवर्तन का परिभाषा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ विचलन दो तरह से होगा, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या अभिलंब से दूर चली जाएगी, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया अपवर्तन का परिभाषा। अब यहाँ पर ये जो कोण है, देखो आपतित किरण, ये है आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं ये, और ये है अपवर्तित किरण, इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कहते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पर आई क्या है, आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तन किरण के बीच में जो कोण बनता है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ये। अब यहाँ पर दो नियम है अपवर्तन के, अपवर्तन के नियम, जैसे हम परावर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण,
तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब देखो तीनों की तीनों एक ही सतह पर है, ये अलग अलग सतह में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपतित किरण कहीं और हो, अभिलंब हमने किसी और पृष्ठ पर खींचा है और अपवर्तित किरण किसी और पृष्ठ पर हो, ऐसा संभव नहीं है। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह में होते हैं। ये आप लिख लोगे आपतित किरण, अभिलंब, तीन चीज है यहां पर, तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एक ही सतह पर होते हैं। क्लियर, एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा जो नियम है जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए हम इसको स्नेल के नियम से जानते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, देखो ये आपतन कोण की जिया, जिया माने साइन, ये हो गया साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर। आपतन कोण की जिया, साइन को हिंदी में जिया कहा जाता है, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कहते हैं म्यू, यहां पर क्या कहलाता है, अपवर्तनांक, म्यू कहलाता है अपवर्तनांक। क्लियर, ये इंग्लिश बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम इसको प्रदर्शित करते हैं म्यू से। तो अपवर्तनांक का क्या परिभाषा हो जाएगा, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि दो समान भौतिक राशियों का ये अनुपात होता है। ठीक है, तो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर अपवर्तनांक निकालने का हमारे पास एक और फार्मूला होता है, वो है म्यू बराबर वी वन बटे वी टू। ये भी अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला है, ध्यान रखना। और यहाँ पर वी वन बटे वी टू का मतलब क्या है, वी वन क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, और वी टू क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो अपवर्तनांक को हम एक और परिभाषा कर सकते हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद देखो अपवर्तनांक के प्रकार, तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, पहला कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, वायु या हवा के सापेक्ष, यदि हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक को हवा या निर्वात के सापेक्ष निकालें तब उसको हम निरपेक्ष कहते हैं। इसको प्रदर्शित करेंगे ए म्यू जी से, इस प्रकार से। तो ए म्यू जी का मतलब क्या हुआ, म्यू के बाद जो लिखा जाता है उसका अपवर्तनांक होता है, और म्यू के जो पहले लिखा जाता है उसके सापेक्ष, सापेक्ष मतलब प्रकाश किरणें वहीं से आ रही हैं। जैसे यहाँ पर ये एयर है, ये ग्लास है, तो हवा से प्रकाश किरणें आ रही हैं, कांच में जा रही हैं, तो कांच का अपवर्तनांक निकलेगा किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो जब किसी अपवर्तनांक को हम कांच सॉरी हवा या निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और दूसरा कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष। जैसे मैं कहीं पर लिख दूं डब्ल्यू म्यू जी, ये सापेक्ष अपवर्तनांक होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों माध्यम हैं। यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, डब्ल्यू फॉर वाटर, तो कांच के अपवर्तनांक को हम पानी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो न्यूनतम न्यूनतम मान जो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का, सापेक्ष का न्यूनतम मान हम नहीं बता सकते क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर करता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो न्यूनतम होता है वह होता है एयर का वैक्यूम के सापेक्ष। हवा का जो अपवर्तनांक होता है निर्वात के सापेक्ष वो सबसे कम होता है, अभी तक जितना अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003 होता है, जिसको हम लगभग एक के बराबर मान के चलते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि मैं 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत सूक्ष्मता से चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ, और उसके पीछे मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आप जब आगे 12th क्लास में जाएं और कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करें
तो आपका बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो। 9th 10th पढ़ाने का मेरा पर्पस ही यही है कि मेरे चैनल को देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम का तो मैंने कम्प्लीट क्वेश्चन डाल दिया है विथ न्यूमेरिकल, पूरा मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अभी मैं आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बना रहा हूँ, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम तो पहले से है, तो इनको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्तन, अपवर्तन की परिभाषा, और स्नेल का नियम, अपवर्तनांक का दो मैंने आपको सूत्र बताया, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, और दूसरा म्यू बराबर वी वन बटे वी टू, या अपवर्तनांक के प्रकार। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी आप लोग स्क्रीन शॉट ले के इसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि पीडीएफ बनने में थोड़ा टाइम है, पीडीएफ तो इसका डालूंगा मैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण मतलब यहां पर देखो, हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अपवर्तन का कारण हम यहीं पर देखेंगे, ये जो चित्र में बनाया हुआ हूं, अपन पढ़ते हैं अपवर्तन का कारण। और पहला हम पढ़ लेते हैं, जब विरल से सघन में जा रहे हैं। यहां पर आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से हटती हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसको अभिलंब की ओर ही जाना चाहिए, अभिलंब से दूर भी तो हट सकती थी। तो यहाँ पर इस बात से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रकाश की किरणें जब माध्यम बदलता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, सीधा हम जानते हैं म्यू बराबर, अभी हमने पढ़ा है साइन आई बटे साइन आर, ये पढ़ा है। अब यदि हम म्यू बराबर एक और फार्मूला लिख लें, वी वन अपान वी टू, अभी हमने पढ़ा है म्यू के दो फार्मूला होते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर चूंकि दोनों म्यू के बराबर हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर वी वन बटे वी टू। अब यहाँ पर आप चित्र में देखो कि वी वन क्या है, वो हवा में प्रकाश की चाल है, हवा में, और वी टू क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है। और ये बात हमको पता है कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यदि वो विरल माध्यम में चले तो जो कण है उसको कम रोकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मान लो हवा में दौड़ूं और मुझे तालाब के अंदर पानी में दौड़ने बोला जाए तो नेचुरली मैं हवा में ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाऊंगा, क्योंकि हवा विरल माध्यम है। उसी प्रकार प्रकाश भी, जब प्रकाश की जो चाल है विरल माध्यम में अधिक होती है सघन की तुलना में। तो यहाँ पर ये जो है हवा में प्रकाश की चाल है, ये कांच में है, तो चूँकि यहाँ पर वी वन बड़ा है किससे, वी टू से, वी वन वी टू से बड़ा है दाहिने तरफ, तो बाएँ तरफ भी क्या हो जाएगा, इसका जो अंश है मतलब जो साइन आई है वह बड़ा हो जाएगा किससे, साइन आर से, इससे बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब साइन आई से बड़ा है तो आई बड़ा हो जाएगा किससे, आर से बड़ा हो जाएगा, आई आर से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आई का मान अधिक रहेगा और आर का मान छोटा रहेगा, इसलिए ये क्या होता है, अभिलंब की ओर चली जाती है, क्योंकि अभिलंब से दूर जाती तो आर का मान अधिक हो जाता। यही कारण है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अधिक होता है, और जिसके कारण क्या होती है, वो अभिलंब की ओर चली जाती है। अब दूसरा देखें अपन, सेकंड, सघन से विरल, मान लो हम यहां पर लेते हैं सघन से विरल, इसके लिए मैं अलग से आपको चित्र बना देता हूं, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना दूं ताकि बात एकदम से क्लियर हो जाए आपको। ये अब मान लो ऊपर में ग्लास है, ये ऊपर में कांच है और नीचे में हवा है, इस तरह से है। अब यहाँ पर यदि हम प्रकाश की किरणों को आपतित करें, ये तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब हो गया। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर ये आई है, ये आर है, ये यहाँ पर सघन माध्यम है ऊपर, और नीचे क्या है, ये विरल माध्यम है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो वही फार्मूला अपन लगाएं, म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, और म्यू बराबर वी वन बटे वी टू, इसलिए यहाँ से साइन आई बटे साइन आर बराबर वी वन बटे वी टू, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर वेग वी वन है, यहाँ पर वेग वी टू है, प्रकाश की चाल,
तो प्रकाश की चाल अब सघन माध्यम में V1 है, तो V1 कम हो जाएगा क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो चूंकि V1 छोटा हो जाएगा V2 से इधर से, तो इधर भी क्या हो जाएगा साइन आई, ये छोटा हो जाएगा किससे साइन आर से, देयरफॉर आई छोटा हो जाएगा आर से। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि आई के मान को कम होना पड़ेगा और आर के मान को अधिक, ये तभी संभव है कि जब अभिलंब से दूर हट जाए। तो ये है अपवर्तन का कारण, कि ये बात बहुत अच्छे से, यही कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक फिजिक्स फिर आपका रट्टा मारने का सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि फिजिक्स बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिजिक्स को छोटे क्लास से ही समझ पैदा करना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि फिजिक्स की समझ पैदा हो जाए, फिजिक्स को हम यदि समझने लगे, तो फिजिक्स कहीं भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 11th-12th क्लास में पहुंचने के बाद जो बच्चे फिजिक्स को डिफ़िकल्ट समझते हैं, उनके पीछे सीधा एक ही कारण होता है कि उन्होंने 9th-10th क्लास में उन चीज़ों को वैसा नहीं पढ़ा जैसा उनको पढ़ना था। ज़्यादातर बच्चे याद करने लगते हैं, रटने लगते हैं, जिसके कारण हैबिट ख़राब हो जाता है। और 11th-12th क्लास में जाने के बाद जब सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट फिर उसको समझने के बाद याद करना, क्योंकि उसका आदत हो गया है, और वहाँ पर उसको याद करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मेरा पर्पज़ यही बार बार बोल रहा हूँ आपको कि 10th से ही 9th से ही आप फिजिक्स को समझो। तो ये मैंने आपको कारण एक्सप्लेन किया कि विरल से सघन में जाने के बाद क्या होता है और सघन से विरल में जाने के बाद क्या होता है, ठीक है। ये कहलाता है अपवर्तन, अपवर्तन का कारण। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता, छोटे छोटे सिद्धांत मैं आज आपको बता रहा हूं जो अपवर्तन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10th का सिलेबस बहुत कम है आपका साइंस का, लेकिन है वो बहुत बेसिक है और उसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। प्रकाश के बाद अपन विद्युत पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस में डालूंगा वीडियो इसके। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या होता है? रिवर्स होना मतलब उल्टा होना, ठीक है। रिवर्स होने का मतलब होता है क्या? उल्टा होना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देखो यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं। ये, और यहां पर हमने सपोज कर लिया एयर, और नीचे में सपोज कर लिया ग्लास। अब यहां से हम एक प्रकाश किरण आपतित करें जैसा हमने अभी किया था अपवर्तन में ये, और यहां पर एक अभिलंब खींचें, ये सपोज अभिलंब है, और चूंकि ये हवा से कांच में जा रही है, तो इधर हम प्रकाश किरण को अभिलंब की ओर मोड़ दिए, ये चली गई। अब यहां पर ये देखा गया, ये आपतन कोण है आई, ये अपवर्तन कोण है आर। अब यदि यहां पर हम एक दर्पण लगा दें, मिरर, यहाँ पर एक मिरर लगा दें और इस पर हम प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित करें, तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि ये प्रकाश की किरण ठीक उल्टे दिशा में वापस हो जाती है, और यहाँ जाने के बाद उसी दिशा में वापस होती है जिस दिशा में वह आई थी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का मतलब क्या होगा? यदि प्रकाश के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए, तो वह उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिस मार्ग से वह आई थी, दूसरे मार्ग में नहीं जाती। ये उसके उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। और इसका हम यदि मैथमेटिकल गणितीय रूप निकालें, तो इधर जाते हुए सपोज तो AμG लिखेंगे, AμG बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ये साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा क्योंकि हम AμG हवा से कांच में जा रहे हैं, और यदि उल्टा लें, यदि कांच से हवा में जा रहे हैं मान लो, तब उसको हम क्या लिखेंगे? gμa। और उस समय जो r है वह आपतन कोण का काम करेगा, तो ये हो जाएगा sin r बटे sin i। ये हो जाएगा, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये रिलेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को हम गुणा कर देते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो दोनों को गुणा करेंगे तो mu g
इंटू जी म्यू ए इक्वल, इसको हम क्या लिखेंगे इस साइड को, साइन आई बटे साइन आर इंटू ये लिखाएगा साइन आर बटे साइन आई, दैट इम्प्लाइज ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर, यहाँ पर देखो साइन आई के साथ में साइन आर के साथ में कट जाएगा और क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। अब यदि हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए म्यू जी बराबर एक बटे जी म्यू ए। इस प्रकार से यह उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का फार्मूला है। तो इस फार्मूला को आप अच्छे से तैयार करना कि ए म्यू जी बराबर एक बटे जी म्यू ए होता है, ये आगे चल के बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में और फार्मूला में काम आएगा, ठीक है। तो यह कहलाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन, मतलब प्रकाश की किरणें जब बहुत से माध्यम से पार होकर निकलती हैं, 2, 4, 5, 10, 20 हजारों माध्यम से भी पार होकर निकले तो किस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, ये हम पढ़ते हैं। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, सेवरल मीडियम। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, इस टॉपिक का मतलब है कि बहुत से माध्यम है अपने पास, ठीक है। हम यहां पर 2-3 माध्यम ले लेते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाएगी बात। ये सपोज 1, 2, 3, ये हमने 2-3 माध्यम ले लिया। सपोज ये जो पहला माध्यम है वो एयर है, दूसरा माध्यम सपोज ये वाटर है, पानी है, तीसरा माध्यम सपोज ये ग्लास है और चौथा माध्यम फिर एयर है, फिर हम एयर में निकल रहे हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये 2-3 माध्यम हैं। अब इसमें अपवर्तन को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, सपोज ये कोई प्रकाश की किरण आपतित किया हमने, ये तो अब यहाँ पर हम खींचेंगे अभिलंब, ये अभिलंब खींचा, चूँकि यह विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुका दिया इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर अभिलंब खींचेंगे, ये हमने फिर अभिलंब खींच दिया। अब चूँकि फिर यह विरल से सघन में, क्योंकि पानी जो है विरल माध्यम है कांच की तुलना में, तो ये और अभिलंब की ओर मोड़ दिया अपन इस तरह से। अब यहाँ पर जब अभिलंब खींचेंगे पुनः यहाँ पर, तो अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्योंकि कांच सघन है, पानी ये हवा जो है विरल है, तो अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हट जाएगी। इसकी खासियत क्या होती है कि यदि पहली दिशा को यदि हम आगे बढ़ाएं तो इसके क्या होती है, ये समानांतर होती है, इसको पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसको 12वीं क्लास में डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिसमें से उसने प्रवेश किया था, तो अपने जो प्रारंभिक पूर्व जो मार्ग है उसके समानांतर होके जाती है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला माध्यम जहाँ प्रकाश किरण प्रवेश करती है वहाँ पर आपतन कोण आई है, और अंतिम में जो प्रकाश निकलती है इसको निर्गत कोण, निर्गत किरण कहा जाता है, निर्गत किरण, ये ध्यान रखना, इसका नाम है निर्गत। निर्गत होने का मतलब हुआ कि वह दोबारा उसी माध्यम में वापस चली गई जहाँ से वो आई थी, और इसको हम बोलते हैं ई, और आई जो है हमेशा ई के बराबर होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप ध्यान में रखना, आपतन कोण हमेशा निर्गत कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि मान लो हवा में प्रकाश की चाल V1 है, पानी में प्रकाश की चाल V2 है, कांच में प्रकाश की चाल V3 है, और पुनः एयर में चले आए तो प्रकाश की चाल V1 हो जाएगा क्योंकि हवा में V1 है। तो बहुत आसान तरीका से इसमें रिलेशन में निकाल रहा हूँ, देखो तो सबसे पहले हवा से पानी में, तो इसको हम लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू बराबर V1 बटे V2, पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हम चले आते हैं पानी से कहाँ, कांच में, तो डब्ल्यू म्यू जी बराबर हो जाएगा V2 अपॉन V3, ये हो जाएगा। अब हम चले आए जी म्यू ए, फिर हवा में चले गए तो V3, और आखिरी माध्यम फिर एयर है तो V3 अपॉन V1। अब हम क्या करें, तीनों को गुणा कर दें, सपोज ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है, रिलेशन नंबर सेकंड है, रिलेशन नंबर थर्ड है, तो हम फर्स्ट का और सेकंड का और थर्ड का आपस में गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी
इंटू जी म्यू ए, और तीनों को गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वी वन बटे वी टू इंटू वी टू बटे वी थ्री इंटू वी थ्री बटे वी वन, ये मिल जाएगा। अब राइट साइड को आप देखो कि सब आपस में कट जाएंगे, वी टू वी टू के साथ वी वन, वी वन के साथ वी थ्री, वी थ्री के साथ में, ये सब आपस में कट जाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, देयर फॉर एम यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर एक। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि प्रकाश की किरणें बहुत से माध्यमों से होके गुजरें तो सभी माध्यम के अपवर्तनांक का योग गुणनफल क्या होता है, वन होता है, चाहे रास्ते में हजारों माध्यम हो। यदि प्रकाश की किरणें हजारों माध्यम को भी पार करके गुजरेंगी तो सभी के अपवर्तनांक का जो गुणनफल होगा वो एक होगा, ये आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इसको हम चाहें तो फार्मूला को और इस तरह से लिख सकते हैं, देयर फॉर डब्ल्यू म्यू जी बराबर, ये दोनों को उधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा एक बटे ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू म्यू जी बराबर, इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके ए म्यू जी हो जाएगा, अभी मैंने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपको बताया, तो ए म्यू जी और अपान हो जाएगा ये ए म्यू डब्ल्यू, ये होता है इस पर एक फार्मूला। तो ये पूरे टॉपिक मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसको आप अभी से अच्छा तैयार करेंगे तो 12th क्लास आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि सब चीज़ आपको दोबारा और डीपली पढ़ना है, क्लियर। क्योंकि 10th का क्लास जब मैं लेता हूँ और इन चीज़ों पर इंक्वायरी करता हूँ तो बहुत स्टूडेंट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि सर हम 10th में ठीक से नहीं पढ़े थे, तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो, आप लोग को लगे कि सब पढ़े हुए हैं और उस समय फिर बहुत फास्ट रिकवरी होगी, ठीक है। तो ये कहलाता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आभासी और वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई, इनके हम फार्मूला डिराइव तो नहीं करेंगे लेकिन इसके कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे ताकि हमको पहले से पता हो कि ये होता क्या है। आभासी तथा वास्तविक गहराई, ये आपने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। आपने अनुभव किया होगा कि किसी साफ सुथरे जल में, मान लो हमारे पास कोई किसी पात्र में कांच का कोई बर्तन है, उसमें हम एक सिक्का डुबा दें अंदर और सिक्के को हम ऐसा थोड़ा सा साइड से देखें तो ऐसा लगता है कि वो सिक्का क्या है, अपने तली से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। या किसी कांच के छड़ को या किसी भी लकड़ी को पानी में डुबा दें तो जहाँ से डुबाते हैं वहाँ से वो तिरछी हो गई, इस प्रकार से लगता है ना। ऐसा मैं थोड़ा चित्र से आपको बता दूं, तो ये मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ, ये राड को मैं यहाँ अंदर में डुबा दूं तो राड फिर यहाँ से ऐसा लगता है कि राड क्या है, थोड़ी इधर मुड़ गई, जहाँ डूबता है वहाँ से तिरछी हो गई, ऐसा लगता है। तो ये सब आभासी और वास्तविक गहराई के कारण होता है, और ऐसा किस लिए हो पाता है ये हम यहाँ पर देखते हैं, चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो ये मान लो हमारे पास कोई एक पात्र है, एक कंटेनर है, और इसमें हमने ये यहाँ तक सपोज पानी भरा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो यहाँ पर हमने एक सिक्का रखा हुआ है ये, अब इस सिक्के से चलने वाली एक सीधी प्रकाश की किरण इस तरह निकल जाती है, जो लंबवत आपतित होती है वो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, उसमें अपवर्तन नहीं होता क्योंकि आई जीरो होता है तो आर भी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये सीधी निकल जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण हम इधर यदि आपतित करें तिरछी, तो दूसरी प्रकाश की किरण को आपतित करने पर यदि हम यहाँ पर लंब खींचें तो यहाँ पर लंब खींचने से हमको मालूम है कि ये पानी है, ऊपर हवा है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये वाटर है और ऊपर में क्या है, एयर है। तो सघन से विरल में जाने के कारण ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इस प्रकाश किरण, इस प्रकाश की किरण को जब तक हम आपस में नहीं कटवाएंगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और आप देख रहे हैं कि दोनों फैलते जा रही हैं, तो पहली प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो पहली प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर इसको काटती है यहाँ, तो ये जो वस्तु है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बन जाता है यहाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेड रंग से जो मैं बनाया वो क्या वस्तु है, और ब्लैक से बनाया वो उसका प्रतिबिंब है। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई देता, जिसके कारण हमको लगता है कि ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पर यदि हम देखें तो पानी के सापेक्ष यदि हवा में जाएं डब्ल्यू म्यू ए इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर वास्तविक और आभासी गहराई, तो ये जो उसकी वास्तविक आभासी है जिसको एच डैश कहेंगे, और इसको मैं कह रहा हूँ इसको वास्तविक गहराई जिसको हम एच। तो एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, इस फार्मूला को आप याद रखना, ठीक है। तो ये होता है एच डैश अपान एच, ये होता है, ठीक है। तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम में, विरल माध्यम का सघन के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वह आभासी गहराई, आभासी गहराई, ये छोटे छोटे आंकिक प्रश्न बनाने में काम आएंगे, और बटे वास्तविक गहराई के बराबर होता है। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, क्लियर। तो ये डब्ल्यू मी, यदि हम इसको उल्टा लिखें, एम यू डब्ल्यू लिखना चाहें तो उलट जाएगा, एच अपान एच डैश हो जाएगा। तो ये फार्मूला में आप कन्फ्यूज मत होना, ये कहलाता है आभासी तथा वास्तविक गहराई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके अपवर्तन के चैप्टर का, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, क्रांतिक कोण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण ये क्या होता है, देखो क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश में बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल होता क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि प्रकाश की किरण को क्या होना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तभी ये केस होता है, अदरवाइज ये केस नहीं हो सकता। तो किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पर ये मान लो दो माध्यम हैं, और नीचे में मैंने लिख दिया मान लो ये सघन माध्यम है, नीचे में कोई भी सघन माध्यम है, और ऊपर में क्या है मान लो ये विरल माध्यम है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित किया, ये प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो यहाँ पर हमको एक अभिलंब खींचना पड़ेगा, ये हमने एक अभिलंब खींच लिया। अब देखो चूंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी तो इधर चली जाती है, ये सिचुएशन आपने देख लिया। ये आपतन कोण का मान है आई, और ये क्या है अपवर्तन कोण का मान है। अब यहाँ पर यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, इधर हम बढ़ा दें इस प्रकार से, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। तब ये देखा गया कि आपतन कोण का एक विशेष मान, मान लो ये आपतन कोण का कोई ऐसा मान है ये, कि उस समय अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, 90 अंश हो गया, आर 90 डिग्री हो गया, मतलब प्रकाश किरण इधर से चली गई सीधी। तो उस समय ये जो आपतन कोण है उसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण, और प्रदर्शित करते हैं किसे, आईसी से। तो क्रांतिक कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुना एक बार आप, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अब यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तब उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण आईसी फॉर क्रिटिकल, ठीक है, तो क्रांतिक कोण कहलाता है, ये ध्यान में रखना। और इसी के आधार पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसके आगे की घटना है। देखो किस तरह से आगे की घटना है, ये सघन माध्यम है, नीचे ऊपर विरल माध्यम है, यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण आपतित किया इस तरह से, और यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींचा, ये अभिलंब खींच दिया। अब ये क्या हो रहा है, सघन से विरल में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटती हुई चली जाती है, ये भी आपने देखा है। ये अब क्या किया गया, इस चित्र को ध्यान समझना,
जब हमने आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के बराबर रखा तो आर का मान 90 अंश हो गया, मतलब ये जो डिवाइडिंग सरफेस है वहां से होकर चली गई। अब हम यदि यहाँ पर आपतन कोण का जो मान है, ये आपतन कोण का मान है ये आई, इसको हम क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया। क्रांतिक कोण तक तो आर का मान 90 अंश था, अब हमने क्या किया, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया। तो क्रांतिक कोण से ज्यादा करने से प्रकाश किरणों का जो ये है अपवर्तन कोण, वो 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा, और 90 अंश से ज्यादा होता है तो उसी माध्यम में क्या होती है, वो वापस लौट जाती है। इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कांसेप्ट क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है, ये ग्रेटर देन हो गया क्या 90 डिग्री, आर का मान बड़ा हो गया 90 अंश से, तब प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से वो आती हैं। इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब यहाँ पर प्रकाश के किरणों में अपवर्तन नहीं होता, उसी माध्यम में वो लौट जाती हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसको आप एक बार अपने बुक से रीडिंग कर लें, जैसे हीरे का चमकना। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो नियर अबाउट 24 डिग्री होता है, और उसका अपवर्तन 2.4 होता है, जिसके कारण हीरे में जब प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो अंदर में बार बार हजारों अनंत बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है। या मरीचिका वगैरह आप डेली लाइफ में एग्जाम्पल एक बार पढ़ना, मैं यहाँ पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग आपको पढ़ा दूँ, जिसको बोला जाता है प्रकाशिक तंतु। ये एग्जाम में आता है प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश बोलते ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ये प्रकाशिक तंतु क्या होता है, हम जनरली जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से ले जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी सहायता से हम प्रकाश की किरणों को टेढ़ी मेढ़े रास्ते से भी ले जा सकते हैं, वही कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर। और ये एक लचीला पाइप होता है इस तरह से, ये सपोज मैंने एक लचीला पाइप बनाया, और ये दोहरी दीवार का होता है, इसमें डबल लेयर होता है, एक लेयर नीचे और ये ब्लैक इंक से बना रहा हूँ इसका मैं दूसरा लेयर, इस प्रकार से ये एक लचीला पाइप है, जो गार्डन पाइप होता है जैसे पानी वगैरह डालने के लिए गार्डन, उस तरह का पाइप है ये। अब ये काम कैसे करता है, इसके बाहर के सतह का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.5 के आसपास होता है, और अंदर का जो ब्लू से बनाया हूँ उसका अपवर्तनांक 1.7 के आसपास होता है। ये जनरली क्वार्ट्ज का बनाया जाता है और लचीला होता है। अब यदि इसमें हम प्रकाश की किरण को प्रवेश कराइए तो यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वह यह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें पाइप से बाहर ना निकल के परावर्तित हो जाती हैं, और ऐसे बार बार परावर्तित होने के बाद पाइप से बाहर चली जाती हैं, मतलब प्रकाश की किरणों को हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जा सकते हैं, ये कहलाता है प्रकाशिक तंतु। और इसका उपयोग, इसका सबसे बड़ा उपयोग मेडिकल साइंस में होता है, मेडिकल साइंस में मतलब पेट का इंडोस्कोपी करने में, जब डॉक्टर्स पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो इंडोस्कोपी करने के लिए एक पाइप डालते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, या अभी केबल जो बिछाते हैं अपन, फाइबर केबल जो बिछाते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है, ब्रॉडबैंड चलाने के लिए, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, या माइंस में प्रकाश के किरणों को खदान में टेढ़े मेढ़े रास्ते में ले जाने के लिए, तो इसका बहुत उपयोग है। आज के डेट में संचारी इलेक्ट्रॉनिकी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये आज के क्लास में अपवर्तन में मैं समतल पृष्ठ से अपवर्तन आपको पढ़ाया, जिसमें पूरे बेसिक चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी बातों को मैं आपसे डिस्कस किया। बाय द वे COVID-19 के कारण कुछ सिलेबस आपके सिलेबस से हट गया होगा, तो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर मत करेंगे, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि बेसिक चीज़ों को आप एक बार बहुत अच्छे से मेरे वीडियो से देखिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब आफ्टर 10th क्लास आप 11th-12th में जाएँ और कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करें तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो। ये मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैं मालूम है कि 9th-10th क्लास में पुअर होने से 11th-12th में बड़ी परेशानी होती है, तो आप इसको अच्छे से करिए। इसी पर्पज़ के लिए मैं इस क्लास के लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।